देखिए बड़े लंबे समय से हमारी ये मांग चल रही थी। पिछले कांग्रेस की सरकार थी उसने कई कारणों का हवाला देते हुए हमारे जैसे नौजवान जो पूरे साल लगातार मेहनत कर रहे थे और पाँच पाँच छः छः साल से मेहनत कर रहे थे उन नौजवानों की मेहनत पे पानी फेरने का काम पिछली कांग्रेस की सरकार ने किया। उसके बाद हम युवाओं में ये रोष व्याप्त हुआ और हमने कांग्रेस की सरकार को विधानसभा चुनाव में जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम किया। और इस बीजेपी की सरकार ने यह वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो छत्तर संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन आज सरकार अपने वादे से मुकरती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर आज से फिर से एक बार नौजवानों में रोष व्याप्त है और इसको लेकर हम छत्तर संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर आज यूनिवर्सिटी मेन गेट पे आए हैं। इसके बाद हम विधानसभा कूच का कार्यक्रम रखेंगे और इन सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करे, अन्यथा इस नौजवान को किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ी उसमें पीछे नहीं हटेंगे। इनको बहम होगा कि आज का युवा लड़ना भूल गया है, ये युवा लड़ना भूला नहीं है, ये युवा शांत बैठा था, ये इसलिए बैठा था कि इन्होंने वादा किया था, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, इसलिए अभी तक हमने प्रदर्शन नहीं किए थे, लेकिन ये मुकर रहे हैं। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब हम आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने पिछले दिनों भी सीएम साहब को भी सीएम आवाज जाके ज्ञापन दे के आए थे, लेकिन उसके बाद उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया और वो डिप्टी प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसको चुनाव करवाने हैं वो आदमी ऐसे कहता है कि ना तो हमारी सरकार ने चुनाव कराया ना हम बंद करेंगे। इस प्रकार के बयान की हम निंदा करते हैं और उनको चेताना चाहते हैं कि इस प्रकार का बयान यदि दोबारा आपके मुंह से निकला तो हम आपको घेरने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है उसके लिए। पुलिस प्रशासन देखिए, पुलिस प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। हमारी पुलिस प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है और पुलिस प्रशासन के हम खिलाफ नहीं है। हम तो हमारा प्रदर्शन करने आए हैं शांतिप्रिय तरीके से। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, पुलिस हमारी सहयोग करेगी ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। जैसा जिस प्रकार से कई दिनों से सभी छात्र नेता भले वो किसी भी संगठन के हो संगठित रूप से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सरकार ने जैसा अपने मैनिफेस्टो में लिखा, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनसे फीस वसूली, कम से कम 1 करोड़ रुपए का घोटाला विश्व प्रधान में छात्र संघ चुनावों के लिए इन्होंने जैसे 1 करोड़ रुपए की हर बच्चे वसूली करी है। अब आवश्यकता है कि अपना रुख सरकार को बिल्कुल स्पष्ट करने का कि वो छात्र संघ चुनाव करवाएगी या नहीं करवाएगी। जिस प्रकार से आज छात्र नेता आंदोलित है ये निश्चित रूप से लगता है कि आज कुछ परिणाम बदलने वाला है। लोग बोलेंगे शांति से रहना, अपने को 1% भी ऐसा रिसर्च स्प्रेड नहीं करना कि पुलिस अपने को जबरन यहाँ से उठा के लेके जाए। पुलिस का इंटेंशन सिर्फ एक है, जिस प्रकार से गाड़ियां रोक रही, जिस प्रकार से आईडी कार्ड चेक करें, जब आईडी कार्ड बने नहीं है, पुलिस जानबूझ के ये कर रही है, पिछवाड़ा गेट बंद करवा दिया, उनको किसने राइट दिया पिछवाड़ा गेट बंद कराने का? यूनिवर्सिटी का प्रोक्टर बोर्ड का एक मेंबर यहाँ खड़ा नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है? यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहती और कई सरकार भी नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो। दोनों को डर सता रहा है, कुलपति को तो ये डर सता रहा है कि चुनाव हो जाएंगे तो आए दिन धरने प्रदर्शन होंगे और छात्र संघ देश मेरी छाती पे मूंग करेगा, ये उसको दिक्कत हो रही है। और सरकार को ये डर लग रहा है, सरकार को ये डर लग रहा है कि यूथ मेरे नेगेटिव चली गई लोकसभा चुनाव के अंदर, अब नीट और नेट जैसे स्कैम हो गए तो यूथ पूरी नेगेटिव जाएगी, मेरे 6 उपचुनाव है। इस चक्कर में सरकार इस मामले को डिले करवाना चाहती है, वो इस मामले में डिनाई है। सरकार का 1% मानस नहीं है आज की डेट तक छात्र चुनाव करवाने का, लेकिन मजबूती रहेगी और मजबूती से खड़े रहेंगे, एक दूसरे को नहीं कोसेंगे और सब बात संगठित होकर मानेंगे तो निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होगा। पिछली बार 12 अगस्त को प्रमाण आया था, 12 अगस्त का प्रमाण आने के बाद में हमने कंटिन्यू लेट हो गए थे, फिर भी 1 महीने आंदोलन चलाया, और सब साथी बैठे हैं, सबने आंदोलन चलाया, 1 महीने चलाया, क्या परिस्थितियां रही, विषम परिस्थितियां रही, मैं उस पर बात को जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ समय बहुत है, सरकार चाहेगी तो समय बहुत है, जुलाई चल रहा है, सरकार चाहेगी जुलाई चल रहा है, नोटिफिकेशन समय से जारी कर देगी तो निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होगा। और पूरा प्रदेश चाहता है, पूरा प्रदेश का युवा चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो। डरते कौन लोग हैं जो अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, कुलपति अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, प्रशासन अपनी मनमर्जी करना चाहता है, डरते वही लोग हैं। सारी बातें सबने विस्तार से बता दी, मेरे बाद में सब लोग बता दें, लेकिन संयमित रहना है। 1% भी तुम्हें ये लगे कि हम कैपेबल नहीं है तो जगह छोड़ के चले जाना, और तुम्हें लगे कि हम छात्र संघ चुनाव करवा सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं तो यहाँ बैठे रहो। धन्यवाद। ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ कर रही है, आप सबको मैं बता देना चाहूंगा, ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लिटरेसी रेट कितनी रहती है, कितने लोग पढ़े लिखे रहते हैं यहाँ, ये बताओ मेरे को। 40% से ऊपर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता वोटर, और राजस्थान विश्वविद्यालय का ऐसा चुनाव है जहाँ का हर एक वोटर लिटरेट है, मतलब 100% लिटरेसी रेट के साथ छात्र संघ का चुनाव विश्वविद्यालय में होता है। उसके बाद ये इस प्रकार का व्यवहार करके क्या दर्शाना चाहते हैं, हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस को आगे करता है और छात्र संघ चुनाव पे क्यों रोक लगाई है, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने और
मेरे साथी भाइयों ने पिछले काफी लंबे समय से जिस प्रकार के घोटाले राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहे हैं उसको उजागर करने का हम काम करते हैं। इसलिए नहीं चाहते कि छात्र संघ के चुनाव हो, एसी में बढ़िया बैठे और पुलिस प्रशासन को और बार आगे करते हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि कल को आपके भाई आपका बेटा यहाँ पढ़ने आएगा उसको अगर समस्या आएगी तो ये छात्र नेता ही उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आपको भी छात्र संघ चुनाव की इम्पोर्टेंस समझते हुए हमारा पूर्ण तरह सहयोग और साथ देना चाहिए। आप लोगों से निवेदन करूंगा मजबूती से, हमें कहने की जरूरत ना पड़े, भाइयों आपके हकों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और प्रत्येक जो स्टूडेंट यहाँ खड़ा है उसके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए मजबूती से। और जब जब युवा बोला है राजसिंहासन डोला है, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, अपन को मजबूती से यहाँ खड़ा रहना है और छात्र संघ चुनाव कराने पड़ेंगे। धन्यवाद सर।